दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक भारतीय गायिका, गीतकार और संगीतकार परंपरा ठाकुर के लाइफस्टाइल के बारे में। आज हम आपको परंपरा ठाकुर के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है, आजकल वे क्या कर रही हैं, उनकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में भी जानेंगे, उनके कुल संपत्ति के बारे में भी जानेंगे, उनके घर और कार कलेक्शन के बारे में भी जानेंगे और लास्ट में हम उनकी कुछ अनसुनी बातों के बारे में भी बताएंगे। कुल मिलाकर यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको परंपरा ठाकुर अच्छी लगती हैं तो अभी से ही वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर दें, आई एम फैन ऑफ परंपरा ठाकुर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही बॉलीवुड की चटपटी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। परंपरा ठाकुर एक भारतीय गायिका, गीतकार और संगीतकार है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई हिट फिल्में दी हैं। वे द वॉइस इंडिया के सीजन 1 के अंतिम प्रतियोगितों में से एक के होने वाली के लिए जानी जाती है। वे प्रसिद्ध संगीत जोड़ी संचेत परंपरा की सदस्य भी है। दोस्तों, इनका रियल नाम परंपरा ठाकुर है, सेलिब्रिटी नेम परंपरा। प्रोफेशन से वो गायिका, गीतकार और संगीतकार भी हैं। परंपरा ठाकुर का जन्म 28 फरवरी 1992 को दिल्ली, भारत में हुआ था। आइए जान लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। परंपरा ठाकुर ने अपनी स्कूली शिक्षा उनके गृह नगर से पूरी की है। वे लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली की पूर्व छात्रा थी। अपने स्कूल के दिनों से ही वे गायन में रुचि रखती थी और अपने स्कूल के वार्षिक दिवस समारोह में प्रदर्शन करती थी। उन्होंने 13 साल की उम्र में राजस्थान सरकार के लिए जिंगल्स भी गाए थे। उन्होंने सब टीवी के क्या हाल है जीजा जी शो के लिए एक गाना गाया था। अब बात करते हैं इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में। इनकी हाइट है 5 फीट 5 इंच, वेट है 54 किलोग्राम, बॉडी मेजरमेंट है 32 38 32। इनकी आंखों का रंग काला है और बालों का रंग भी काला है। नेशनैलिटी से यह एक इंडियन और रिलीजन से हिंदू हैं। अब बात कर लेते हैं इनके पसंदीदा चीज़ों के बारे में। इनके पसंदीदा अभिनेता शाहरुख खान और रणवीर सिंह है। पसंदीदा अभिनेत्री आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण। पसंदीदा गायक लता मंगेशकर और AR रहमान। शौक जिमिंग और गिटार बजाना। पसंदीदा भोजन नॉर्थ इंडियन फूड। पसंदीदा रंग लाल, काला और सफेद। पसंदीदा जगह गोवा। आइए जान लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। दोस्तों, उन्होंने अपने फैमिली लाइफ को कभी भी उजागर नहीं किया है, अतः उनके माता पिता के नाम के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। परंपरा ठाकुर के माता पिता भी संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए वे भी अपने समय में सिंगिंग किया करते थे। परंपरा के पिताजी ने 1991 में नोएडा में एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोला था, जो कि नोएडा का पहला म्यूजिक इंस्टीट्यूट था, जिसमें बहुत सारे बच्चे संगीत सीखने आया करते थे। अब इनके पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। परंपरा ठाकुर ने 1 दिसंबर 2020 को मुंबई में आयोजित शाही शादी समारोह में संचेत टंडन से शादी की। संचेत और परंपरा ने मुंबई में एक साथ लगभग 5 साल काम किया। साथ में काम करते करते इस जोड़ी ने एक साथ जीने का फैसला ले लिया। अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। परंपरा ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आंतरिक प्रतिभा दिखाने का फैसला किया और अपने पिता के प्रोत्साहन और समर्थन के साथ उन्होंने NTV के सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस इंडिया सीजन 1 में एक प्रतियोगी के रूप में प्रवेश किया। उनकी अनूठी आवाज की गुणवत्ता और बहुमुखी प्रतिभा ने दोनों न्यायाधीशों का दिल जीत लिया और दर्शकों और उसे फाइनल में ले गया। वह फाइनलिस्ट में से एक थी और उसने 3रा स्थान हासिल किया। उसके बाद उसने अपने साथी वॉइस इंडिया प्रतियोगी संचेत टंडन के साथ मिलकर 2016 में एक संगीत जोड़ी बनाई। उन्होंने अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अभिनीत फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में 2 गाने सुबह की ट्रेन और भूमि के लिए अपनी पहली रचना लॉन्च की। उनकी अगली परियोजनाएं 32 मीटर चालू और यमला पगला दीवाना फिर से के लिए थी। 2019-2020 के दौरान दोनों ने कबीर सिंह, साहो, पल पल दिल के पास, पति पत्नी और कौन, तन्हा जी और स्ट्रीट डांसर 3D जैसी बॉलीवुड हिट फिल्मों के लिए कई दिल को छू लेने वाली और सुपरहिट धुनों की रचना की। अगर हम उनके घर के बारे में बात करें तो वह मुंबई के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहती हैं। आइए जान लेते हैं इनका नेटवर्थ कितना है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय रुपयों में उनका नेटवर्थ करीब 1 करोड़ रुपए है। यह एक अनुमानित रकम है। आइए जान लेते हैं उनकी कुछ अनसुनी बातें। उनका पसंदीदा राग सजना आ भी जा है। वह 13 साल की उम्र से इस गाने को गा रही हैं। उन्होंने मिलिंद गाबा और खूबसूरत अशनूर कौर अभिनीत गीत क्या करूं की भी रचना की है।
उन्होंने कबीर सिंह गीत बेख्याली के लिए जी सिने अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ संगीत 2020 के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता, जिसे उन्होंने अपने सहसाथी और संगीत निर्देशक सचेत टंडन के साथ साझा किया। इसके अलावा परंपरा ने कई लाइव शो किए हैं और अपने साथी सचेत टंडन के साथ कई स्टेज परफॉर्मेंस दी है। सेल्फी लेना और तस्वीरें खिंचवाना उनका एक शौक है। वह एक डॉग लवर है। तो यह थी परंपरा ठाकुर की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको परंपरा ठाकुर के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो में किसके लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।